माइक्रोबिट में एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, डांसिंग लाइट्स या डिस्को लाइट्स जो म्यूजिक के हिसाब से फ्लैश करेंगी। तो अगर आपको मेरे माइक्रोबिट या और ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे कालातीत जीवन कौशल youtube.com/kalateetkaushal, तो आप यहां जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं जितने वीडियोस बनाता हूं वो मैं एक प्लेलिस्ट में डाल देता हूं। तब जैसे ये टिंकर कैट का है, ये ARVR के ऊपर है, तो वैसे ही जितने मैं माइक्रोबिट पर बना रहा हूं और इससे पहले जो मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पहले कुछ जनरल रोबोटिक्स के ऊपर हैं कि रोबोटिक्स और IoT क्या होता है, और फिर वहाँ से कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या हैं और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो इससे पहले जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं माइक्रोबिट के ऊपर वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी हम डांसिंग लाइट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक जो पावरफुल फंक्शन है माइक्रोबिट में, वो अगर आप LED में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ये प्लॉट द बार ग्राफ ऑफ ये फंक्शन, ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक मिलता है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको यहाँ डाल के प्लॉट द बार ग्राफ ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक में फॉरएवर ब्लॉक के अंदर डाल रहा हूँ, और फिर हम इनपुट में जाके, मैं माइक्रोबिट वर्जन 2 पर हूँ, तो वर्जन 2 पर हमारे पास ये एक साउंड लेवल का प्री मेड वेरिएबल मिल जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपल बात कह रहे हैं कि प्लॉट द बार ग्राफ ऑफ साउंड लेवल, जो भी साउंड लेवल होगा उसको यहाँ पे प्लॉट कर देना। तो अभी सिमुलेटर में, तो अगर मैं इसको हिलाता हूँ, अगर मैं इसकी इनपुट को वेरी करता हूँ, तब आप देख सकते हो कि साउंड लेवल के हिसाब से जो भी मैं यहाँ पे साउंड लेवल चेंज कर रहा हूँ उसके हिसाब से LEDs जो हैं वो चेंज होती हैं। इस प्रोग्राम को अगर मैं अपने माइक्रोबिट में डाउनलोड करता हूँ, तो अब जब मैं बोल रहा हूँ तो जो LEDs हैं वो मेरी वॉइस के लेवल के हिसाब से चेंज हो रही हैं, और अगर मैं कोई म्यूज़िक बजाता हूँ, तो ये एक सिंपल तरीका है डांसिंग लाइट्स बनाने का। पर अगर आप और थोड़ा इसको सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो हम एक ज़्यादा डिटेल्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि मोर लाइक अ लिप सिंक होगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मूवमेंट जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि माइक्रोबिट मेरे लिप्स के, जो मेरी साउंड्स मैं बना रहा हूँ उसके हिसाब से लिप मूवमेंट हो रहा है। तो मैं makecode.microbit.org में जाके एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, लिप सिंक, इसका मैं टाइटल दे रहा हूँ। तो हम लिप सिंक में क्या करना चाहते हैं, इसेंशली हम चाहते हैं कि जो हमारी लाइट्स हैं वो उनका पैटर्न बदले बेस्ड ऑन द साउंड लेवल। अभी हमने पिछली बार केवल प्लॉट कर दिया था, पर अब हम स्पेसिफिक कि अगर साउंड लेवल X हो तो ये LEDs जलें, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेसिक शेप दिखाना चाहते हैं तो हम LED लेकर, लेट्स से यू नो एक बेसिक हम शेप बना रहे हैं कि जैसे ये एक सिंपल सा स्माइली फेस है, और अगर हम बेसिकली चाहते क्या हैं कि हम साउंड लेवल ना, और साउंड लेवल के हिसाब से ये जो LEDs हैं ये हायर साउंड हो तो ज़्यादा लाइट जलें, कम साउंड हो तो कम LEDs जलें, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल्स में जाके एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, इसका नाम हम रख देते हैं साउंड, और हम चाहते क्या हैं कि जो हमारा साउंड वेरिएबल है वो जो माइक्रोफोन माइक्रोबिट के वर्जन 2 में जो ऑनबोर्ड माइक्रोफोन लगा है उसकी वैल्यू जो भी आ रही हैं, इनपुट जो भी आ रही है वो हमारे साउंड जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें असाइन होती जाए। फिर हम क्या चाहते हैं कि बेस्ड ऑन साउंड लेवल क्या है, हम LEDs को कौन सी LED जलेंगी ये डिटरमिन करेंगे।
तो इसके लिए मैं फिर लॉजिक में जाके यहाँ से ला रहा हूँ एक इफ देन एल्स का लूप। हम कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं फिर से लॉजिक में जाकर एक कंपैरिजन का ब्लॉक लेके आ रहा हूँ, और हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो साउंड लेवल नाम का वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 100 है, यानी कि बहुत लाउड है, तो हम अपनी जो LEDs हैं वो लेट्स से एक बहुत बड़ा हम दिखा रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा मुंह खुल गया है, इस तरीके से ये पैटर्न में जल जाएंगी। और फिर हम एक और इसमें बहुत सारे हम कंडीशंस डालना चाहते हैं कि ये जैसे जैसे साउंड का लेवल चेंज होगा LEDs चेंज होंगी। तो मैं अपने ये इफ देन एल्स के लूप में ये प्लस का साइन कर रहा हूँ, तो मुझे ये एल्स इफ की कमांड मिल जाती है। और यहाँ इसको मैं डुप्लीकेट करके अब मैं कह रहा हूँ कि अगर साउंड लेवल लेट्स से अदर एक्सट्रीम 10 है, मतलब बहुत लो साउंड है, तो मैं फिर कौन सी LED हम जलाना चाहते हैं, हम लेट्स से एक बहुत ही सिंपल कोई बना रहे हैं कि केवल ऑलमोस्ट लाइक क्वाइट LED है, या फिर मे बी थोड़ा उसमें थोड़ा सा लिप्स का मूवमेंट है। और इसके बाद ये जो हमारी दो एक्सट्रीम कंडीशन हैं, ये अभी अगर मैं अभी अपना ये प्रोग्राम ट्रांसफ़र करता हूँ, हमारे को दो स्टेट दिख रही हैं। एक हमारे को ये इमेज दिख रही है जिसमें जो कि लो थ्रेशोल्ड की है, और अगर मैं ज़ोर से बोलता हूँ हेलो, तो हमारे को जो अपर थ्रेशोल्ड वाली इमेज है वो नज़र आती है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इन इसके बीच की और जो लेयर्स हैं इनको डिफाइन करना है। तो अगर मैं एक और एल्सिफ मैं थोड़े और एल्सिफ ऐड कर रहा हूँ, और जो हमने यहाँ बनाया था इसको मैं लोअर थ्रेशोल्ड में ले जा रहा हूँ, और फिर हम बीच के और इसमें थ्रेशोल्ड्स डालेंगे। और थ्रेशोल्ड्स डालने के बाद हम हर थ्रेशोल्ड के लिए जो हमारा टॉकिंग फेस है LEDs को जो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये लेवल्स डिफाइन किए हैं कि अगर जो साउंड इनपुट आ रही है, सॉरी यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये नहीं वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, तो मैं वेरिएबल्स में जाके साउंड जो हमने वेरिएबल असाइन किया था उसको डाल रहा हूँ। तो ये हर जगह हर सब में चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को समझते हैं, हम कह रहे हैं कि हमने पहले एक साउंड नाम का एक वेरिएबल बनाया, और जो भी माइक्रोफोन से जो भी इनपुट आ रही थी उस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हम फॉरएवर चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो वेरिएबल में जो साउंड लेवल की वैल्यू आई है वो 100 से ऊपर है, तो हम ये बहुत बड़ा सा मुँह खुला हुआ है ऐसा दिखाएंगे विद दी LEDs। और अगर साउंड लेवल 80 है, 80 से ऊपर है तो ये दिखाएंगे, 60 से ऊपर है तो ये दिखाएंगे, 40, 30, 20, 10, और फिर एक जो है वो है कि ऑलमोस्ट मुंह बंद है। तो ये हमने डिफरेंट साउंड लेवल पर किस किस्म की LED जलेगी ये डिफाइन किया है। हम एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लोअर साउंड होगी तो हम LED किस इंटेंसिटी से माइक्रोबिट पे जलेंगी इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ LED में जा रहा हूँ और यहाँ जाके मोर दबा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये सेट ब्राइटनेस ऑफ दी LED ये कमांड मिलती है। 255 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल ही साउंड कम होगी तो ये और ये दोनों सेम है, पर यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बिल्कुल ही बहुत ही लाइट LED जलाना, लाइक मे बी 10 और मे बी इवन लेस, लेट्स से 6 की वैल्यू। और फिर हम इसी तरीके से बाकियों के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये थोड़ी बढ़ा देना, मे बी 14 कर देना, और उसके ऊपर जो है, तो जैसे जैसे साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, नॉट ओनली कि ज़्यादा LEDs जलेंगी, वो ज़्यादा ब्राइटर भी जलेंगी। तो इसकी वजह से जो हमारी एनिमेशन है वो और ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। LED बिल्कुल LED लाइट है, उनकी इंटेंसिटी भी लाइट है, और अब जब मैं बोलता हूँ तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो ऑलमोस्ट लाइक अ लिप सिंक है। हेलो, हाउ आर यू,
तो इस तरीके से हम एक लिप सिंकिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आप जो लिप सिंक है इसको और एक्यूरेट बनाना चाहते हो तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि इस तरीके से इसको रेंज बाउंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जो हमारा पहले था इस तरीके से कि इफ़ साउंड इज़ ग्रेटर दैन अ सर्टन वैल्यू, इसके बदले मैं लॉजिक में जाके नीचे बूलियन आर्ग्यूमेंट से एक एंड का आर्ग्यूमेंट लाया, और मैंने इस एंड के आर्ग्यूमेंट में इसमें दो ये कंपैरिजन्स डाल दिए हैं कि अगर जो रेंज है वो बिटवीन जो लास्ट रेंज थी 60, सो इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 61, बट इफ़ इट इज़ लेस देन 80 तो क्या करना, और लाइकवाइज अगर वो ग्रेटर देन 51 है बट लेस देन 60 है जो कि नेक्स्ट रेंज है। तो इस तरीके से अगर हम इसको, और जो हमारी माइक्रोफोन इनपुट दे रहा है और हम उसको साउंड वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, तो वो जो साउंड वेरिएबल की वैल्यू है हम उसको और रेंज बाउंड बना रहे हैं। और एक चीज़ और हम कर सकते हैं अपने फेस को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए कि हम यहाँ से जो आईज़ हमने हर में बनाई थी, मैं ये आईज़ सबसे हटा रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैंने ये आईज सबसे हटा दी हैं और मैं आँख अलग से बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए एक और फॉरएवर का लूप ला रहा हूँ, और अगर आप एलईडी में जाओगे तो इसमें एक और कमांड है कि प्लॉट एक्स एंड वाई। तो अगर मैं ये कमांड लेकर आता हूँ प्लॉट एक्स एंड वाई, तो एक्स इक्वल ज़ीरो, वाई इक्वल ज़ीरो, ये जो लेफ्ट में टॉप मोस्ट एलईडी है ये जल जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो है जैसा आप देख रहे हो पॉप आउट में। और अगर मैं इसको नेक्स्ट एलईडी पे लेके आता हूँ, तो जैसे ये एलईडी है तो ये फिर 1 1 हो जाएगी, यानी कि ये एक्स जो है ये 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहा है और वाई जो है 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमारे को सेकेंड एलईडी जलानी है, जो हमारी आँख की एलईडी थी ना हम यहाँ जला रहे थे, तो ये नंबर 2 एलईडी है। तो मैं यहाँ पे अगर X2 कर देता हूँ तो हमारी सेकेंड पोजीशन वाली जो ये वाली एलईडी है, ये सॉरी X1 अगर कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ X0 X1 इसको ऑन करना चाहते हैं, तो मैंने X1 ऑन कर दिया। तो ये जो अब हमारा सिमुलेटर है इसमें हम X1 जो है इसको ये ऑन हो गई है और ये अपने आप प्लॉट यूज़ करके ये फ्लिकर भी कर रही है। और लाइकवाइज हम तो X0, X1, X2, फिर X3 भी हम ऑन करना चाहते हैं, तो हम फिर इसको डुप्लीकेट करके यहाँ कह रहे हैं कि X3 भी जो है इसको भी ऑन कर दो। तो अब हमारी हमने क्या किया है कि जो हमारा फेस था उसमें केवल माउथ का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे साउंड वेरिएबल की वैल्यू से रिलेट कर दिया है, और आईज़ को हमने अलग बना दिया है। तो आईज़ को अलग बनाने की वजह से मुझे लगता है कि शायद हमारे को और इफ़ेक्टिव और अच्छी एनिमेशन मिलेगी। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो अब जो है हमारी आँखें अलग से ब्लिंक हो रही हैं, और जो लिप सिंक है मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो गया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से लिप सिंक भी चेंज हो रहा है। हेलो, हाय, हाउ आर यू। हम छोटा सा म्यूज़िक बजा के भी टेस्ट कर सकते हैं कि लिप सिंक म्यूज़िक के साथ कैसा चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये बेटर है, लिप सिंकिंग का ये बेटर प्रोग्राम है। साउंड के वेरिएबल को अगर हम रेंज बाउंड कर देते हैं और आईज़ को हम अलग से प्लॉट करते हैं। तो हमने इस वीडियो में दो देखे, एक प्रोग्राम हमने लिखा जो कि म्यूज़िक के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करता है और उससे हमारे को डांसिंग लाइट्स या डिस्को लाइट्स का इफेक्ट मिलता है, और ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने एल्स इफ की खूब सारी कमांड्स डालकर ये लिप सिंकिंग का प्रोग्राम लिखा है। आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम अच्छे लगे और आप ट्राई करोगे।